गोली चलाते ही 260 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये गोली बुलेट प्रूफ जैकेट की तरफ बढ़ी अगर मैं बुलेट प्रूफ जैकेट की आउटर कवरिंग को हटा दूं, तो इसमें है ये चार लेयर्स। पहली ये सिरामिक लेयर फिर एरम फाइबर लेयर वर्टेक्स लेयर और लास्ट में ये पॉलीएथिलीन लेयर सबसे पहले एक गोली सिरामिक लेयर की सिरामिक डिस्क से टकराई है इससे इस गोली की स्पीड कम हो गई है और इसके आगे वाला पार्ट चपटा हो गया है चपटी होने के बाद ये गोली एरमिड फाइबर लेयर से टकरा रही है ये फाइबर लेयर स्टील से भी पांच गुना मजबूत एक विप्ड फाइबर है इसने इस तरीके से पीछे होकर इसने इसकी कैनेटिक एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इसको चीर कर ये बुलेट वर्टेक्स लेयर से टकरा रही है वर्टेक्स लेयर एर्मिड फाइबर लेयर का ही एक अपग्रेडेड और मोटा वर्जन है और यह स्टील से दस गुना से भी ज्यादा मजबूत है अब ये गोली इस लास्ट प्लास्टिक की पॉलीएथिलीन लेयर को चीर कर आगे बढ़ रही है लेकिन बुलेट की गर्मी की वजह से यह पॉलीएथिलीन लेयर पिघल गई है और इसने इस बुलेट को रोक लिया